हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जाना है एक और इवेंट में। तो किस चीज़ का इवेंट है, किस चीज़ का, कुछ नहीं बता सकता, पर मैं बहुत लेट हो गया हूँ। 1:30 बज गया है, 2 बजे मुझे पहुँचना है और यहाँ से काफ़ी दूर है। और मैं पहुँच जाता पर मैं सो गया था, दो बार उठ के मैं सो गया, इसलिए मैं लेट हो गया। उसके ऊपर से मम्मी पापा बहुत चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर और मूड ख़राब हो गया मेरा पूरा, इसलिए ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया। अभी घर से बाहर निकल के ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब जाते हैं। मैं यहाँ से फाड़ी आ गया हूँ और फाड़ी से एक ऑटो पड़ा है, पर जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक निकलेंगे नहीं, और 3 का ज़रूरत है। नया सिस्टम निकल गया, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये जो इवेंट करने के लिए आए थे वो इवेंट तो हो गया है और 5:30 बजने वाले हैं, और यहाँ से मैं पैदल ही जाऊँगा। बाकी जितने थे तो लोग तो उनके पास तो बाइक था, तो स्कूटी था, तो वो निकल गए। मैं बोलता तो मेरे को छोड़ देते, पर क्या ही बोलूँगा, हेलमेट वगैरह कुछ था नहीं, तो इसलिए मैं पैदल ही चला जा रहा हूँ। मैं सेहत भी थोड़ा ठीक रहेगा। जैसे मैं रास्ते से जा रहा था तो ये बाकी सब बस देखो, और ये वाला बस देखो, अलगी शेप लगता है, बुलेट ट्रेन खड़ा है। गाइस, मैं 20 मिनट से चल ही रहा हूँ पर आ ही नहीं रहा बस स्टॉप। क्या पता कहाँ मैं घूम गया हूँ ना, समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को कुछ। ऐसे ही रास्ते में मैं 3-4 बार आया हूँ पर पता ही नहीं चल रहा मैं कहाँ पे हूँ। तो गाइस, मैं घर आ गया हूँ और 6:15 हो रहे हैं और अब मैं घर आया हूँ, और अभी जा रहा हूँ थोड़ा मंदिर, क्योंकि सुबह को मैं नहीं जा पाया। तो मैं अभी जाऊँगा मंदिर से आऊँगा, उसके बाद फिर कुछ खाऊँगा पीऊँगा, रेस्ट करूँगा। और आज तो सैटरडे है, वैसे भी आज बिग बॉस में वीकेंड का अवार्ड चलेगा, तो क्या करूँ, और तो कुछ है ही नहीं दिखाने को। जहाँ गया था वहाँ अगर मैं आपको दिखाता ना तो आपको काफ़ी अच्छा लगता, पर टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से मैं आपको नहीं दिखा सकता, सॉरी फॉर डैट। गाइस, मैं मंदिर से आ गया हूँ और आने के बाद मैं क्या दिखता हूँ, हमारे घर में कौन आया है देखोगे तो पक्का। थोड़ा ऐसे हो जाता हूँ, देखो कौन आया हमारे घर में। हमारे घर में गोपाल जी आए हैं, है कि नहीं। तो ऊपर शायद कोई नहीं है इसलिए गोपाल जी यहाँ पर है हमारे पास। तो सुबह को मैं 4 रोटी खा के गया था, धीरे से बोल रहा हूँ क्योंकि मम्मी सुन लेगी ना तो मेरे अच्छा से वाट लगाएगी। वहाँ पे सिर्फ मैं 2 केक खाया हूँ, कुछ नहीं खाया हूँ। भूख बहुत ज़ोर से लग रहा है, पहले कुछ खाता हूँ उसके बाद ब्लॉग बनाता हूँ। मेरा ब्लॉग बनाने का भी एकदम शक्ति नहीं है मेरे में अंदर, ठीक है, पहले कुछ खाता हूँ उसके बाद ब्लॉग बनाता हूँ। तो गाइस, रात के 11 बज रहे हैं और मैं 9 बजे के अराउंड सो गया था, तो मुझे बहुत नींद आ रहा था इसलिए। और आज मम्मी का बात था जाने का नानी के घर, पर मेरे वजह से नहीं जा पाई, क्योंकि मैं लेट करके आया था घर ताकि मम्मी नहीं जा पाए, ठीक है। तो मम्मी से ही पूछते कि मम्मी क्यों नहीं गई, ठीक है, उनका रिएक्शन देता है। क्या आप गए थे नानी घर? हाँ बताइए ना, क्यों नहीं गए नानी घर? आप तो बोले थे जाइएगा और साफ सफाई करना वरना है। हाँ अरे बोलिए, तुमरा चलते हैं। हम क्या किए? तुम बदमाशी किया बताओ। ये लोग बहुत बदमाश है, जहाँ गाने का नाम लेते हैं अपना घर मेरा पीछे लग जाता है, दोनों ही, इसका पापा भी और ये भी। तो हम अब रीजन चेंज कर लिए हैं। इन लोग आगे बोलना मतलब सर पत्थर से सर टकराना। अब देखिए ये चल जाएगी तो कौन खाना खिलाएगा, कौन खाना खिलाएगा पिलाएगा, बताओ, आप ही बताओ। अगर आप चल जाओगी तो कौन खिलाएगा? तुम लोग नौकर बन के रह जाए, मेरा अपना कोई जिंदगी नहीं है। नौकर का क्या, अरे अब चल जाएंगे तो खाना कौन खिलाएगा, खाना कौन पिलाएगा, क्या बोल रहा हूँ। पर मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया, यस, पर मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया, नहीं गई तो पता है, लेकिन कल या परसों तो चल ही जाएंगी, पता नहीं क्या। तो आज पता नहीं मम्मी क्या बना रही है। अच्छा, बैगन को भाजी दी है और यहाँ पे पटल को भाजी है। ओहो ओहो ओह बाबा, रख दो भाई जैसे था,
अभी आके चिल्लाने की गिरछ हुआ वगैरह वगैरह रात शायद ये और ये है खाने में। और रोटी तो यूजुअल है, यहाँ पर रसगुल्ला रखा हुआ है ऐसे ही। तो गाइस रात के 1:10 हो रहे हैं और डिनर वगैरह सब हो गया है और अभी एडिटिंग करना है। मन बिल्कुल नहीं कर रहा एडिटिंग करने का। अरे यार एक जन से ना थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया है, मतलब अगर वो मजाक करे ना तो ठीक है, अगर मैं थोड़ा मजाक कर दूँ ना तो उसको थोड़ा ख़राब लग जाता है और उल्टा फुल्टा गाली बकने लगता है मेरे को, इसीलिए अब क्या बोलूँ अब मैं, और कुछ बोलने का है नहीं उसको, ये इमेच्योरिटी का साइन है बस और कुछ नहीं। खैर अभी बातचीत करता हूँ कि क्या बात है और जो भी है शॉर्ट आउट करके उसके बाद एडिटिंग के लिए बैठूँगा। पूरा मूड ख़राब कर दिया मेरा, बिगाड़ दिया पूरा वो लड़का। उसके बाद एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद सुबह को एक जगह जाना भी है, अराउंड 6 बजे उठना, 6 बजे घर से निकलना पड़ेगा, बस मिलेगा या नहीं यही देखना है, देखते हैं क्या होता है। आज रात के 2:45 हो रहे हैं और आस्ते करो थोड़ा, और ब्लॉग पूरा एडिट हो गया है और काफ़ी छोटा बना है ब्लॉग, क्या करो। अगर मैं वहाँ का दिखाता ना आपको, आपको लिटरली काफ़ी मज़ा आता। मैं जहाँ गया था पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से मैं नहीं गया, नहीं दिखा पाया आपको, और क्या ही बताऊँ मैं आपको। खैर 3 बजने वाले हैं, इसको अपलोड करते करते अराउंड 3:30 तक बज ही जाएंगे और सुबह 5 बजे मेरे को उठना भी है, उठूँगा मैं। तो इस व्लॉग को ये एंड करता हूँ, आशा करते हैं ये व्लॉग आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है कल नए व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी, लेट्स रॉक, जय हिंद जय भारत। और आपको मेरा ट्रिक कैसा लगा मम्मी को नानी घर नहीं भेजने का, अगर ऐसी ट्रिक चाहते हो, मेरे पास बहुत ट्रिक्स है ठीक है, तो मुझे इंस्टाग्राम में जरूर से DM करना, मैं आपको बता दूंगा बहुत सारे ट्रिक्स है मेरे पास मम्मी को नानी घर नहीं भेजने का, ठीक है।